अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सबका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं नाज़िया कलीम, आज आपके सामने मैंने एक गिलास रवे के लिए 3 पल्ली ऑयल लिया है। अगर आप 2 गिलास रवा लोगे तो 6 पल्ली ऑयल डालिए, ठीक है। आपके रवे के हिसाब से जो गिलास से आप ले रहे हैं वो गिलास से आप डालिए ऑयल। चलिए इसमें मैं डालूँ थोड़ी सी राई। इसी में ही अब मैं डालूँगी मूँगफली के दाने। हमारी राई अच्छे से चटकने लगी है। देखिए अब डाल रहे हैं मूँगफली के दाने और काजू कटे हुए। इसे भी हल्के से रोस्ट कर मैं निकाल लूँगी। आप इसके अंदर और ज़्यादा मटेरियल्स भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं खाते लोग, इसलिए मैं कम मटेरियल्स डालकर बना रही हूँ। किसी को ख्वाहिश रहती है कि इसके अंदर हर तरकारी डाल सकते हैं या वेजिटेबल्स, जो आपको पसंद है वो तरकारी आप डालकर बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। चलिए इसमें मैंने डाल दिया है सारी तरकारी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा आपको कितना लगता, आप बाद में भी टेस्ट कर डाल सकते हैं। पानी में जब पकते हुए अदहन में आप टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसे हम हल्के से भून लेंगे। देखिए अब टमाटर और प्याज हरी मिर्च हल्के से गलने लगे हैं। इसे ऐसे ही हिलाते रहिए वरना ये चिपक जाएगा, दाग लग जाएगा। देखिए अब टमाटर गलने लगे हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। चलिए टमाटर भी और प्याज अच्छे से गल चुके हैं, हरी मिर्च भी गल चुकी है। इसे ज़्यादा भी नहीं गलाना है, मीडियम से ही रखना है। इसी में मैं डालूँगी वही गिलास से 2 गिलास पानी। चलिए मैंने इसे पानी डाल दिया है, अब मैं इसे ढाँप कर रखूँगी 5 मिनट के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पानी बहुत ही आट रहा है, बहुत ही पक रहा है। कह रहा है कि अब हमें रवा डाल दो इसी के अंदर। चलिए हम इसी के अंदर डालते हैं रवा। रवे को डालते पर हिलाते रहिए वरना ये गड्ढे बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हिलाते रहिए, मीडियम आंच पर कर दीजिए चूल्हा। इसी रवे में पकते वक्त ही मैं डालूंगी काजू मूंगफली के दाने जो मैंने रोस्ट कर रखे थे। इसे भी अच्छे से मिक्स करते रहिए, इसी तरीके से हिलाते रहिए ताकि हमारा पानी सूख जाए, जज्म हो जाए। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये लुंडे लुंडे बन जाएंगे, बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा पकने के बाद। चलिए अब मैं इसे रखती हूँ 2 सेकेंड के लिए सिम पर।
मैंने रखा था इसे सिम पर, देखिए बन चुका है हुक्मा, पानी सूख चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा हुक्मा बन के रेडी हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी थी ये, बहुत ही टेस्टी थी। आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग भी ट्राई करिएगा। मैं आज बहुत दिनों के बाद रेसिपी डाल रही हूँ। हाँ मैं थोड़ा सा बिज़ी हो चुकी थी। चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।